फिल्म कप्तान कैसे होगी नैया पार, कांग्रेस को यूपी में नहीं मिली कमान, अजय लल्लू के बाद खाली पड़ी है कुर्सी, क्यों यूपी में नहीं बन पा रही बात, 24 की तैयारी, यूपी में किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन बनेगा यूपी में कांग्रेस का कप्तान, क्यों नहीं कांग्रेस चुन पाई 3 महीने बाद भी कोई चेहरा, आखिरकार कौन कौन है रेस में जिस पर कांग्रेस लगा सकती है 2024 के लिहाज से दाव। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद अजय कुमार लल्लू से इस्तीफा तो ले लिया, मगर 3 महीने होने को आए यूपी में कांग्रेस बिन कप्तान के लिए चुनावी पिच पर पसीना बहा रही है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस यूपी में कौन सा गेम खेल सकती है। सवाल नंबर 1, लल्लू ने क्यों दिया इस्तीफा? तो सुनिए, इस सवाल का जवाब है यूपी समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद इन राज्यों के मुखिया यानी कि प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा ले लिया गया था, जिसके बाद से अब तक यूपी को नया सेनापति यानी नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। सवाल नंबर 2, रेस में कौन कौन शामिल? चलिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस के पास आखिर कौन कौन से विकल्प मौजूद है और कौन कौन है रेस में, तो चलिए उनकी खासियत भी आपको बताते हैं। सबसे पहला नंबर आता है 24 की तैयारी, यूपी में इन 5 को मिलेगी जिम्मेदारी। पीएल पुनिया, कांग्रेस के कद्दावर नेता पीएल पुनिया राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के पूर्व अध्यक्ष है, पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में बड़ा दबदबा रखते हैं। नंबर 2, आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी का हिंदुत्व कार्ड खेल सकते हैं, लोकसभा में आजमा चुके हैं किस्मत। आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने बयानों को लेकर पार्टी में खासा तौर पर जाने जाते हैं। नंबर 3, वीरेंद्र चौधरी, 22 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता खोला था, फरेंदा विधानसभा सीट पर 1087 वोटों से इन्होंने कब्जा किया था, महाराजगंज में इनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। नंबर 4, निर्मल खत्री, पूर्व लोकसभा सांसद निर्मल खत्री आपको बता दें कि कांग्रेस का एक बड़ा कद्दावर चेहरा है, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की कमान ये संभाल चुके हैं, क्षेत्रीय जातियों को साधने की कांग्रेस की कोशिश को ये पूरा कर सकते हैं। नंबर 5, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेस का मुस्लिम कार्ड, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस को बड़ी जीत दिला सकते हैं, बीएसपी से इन्हें निकाला गया था जिसके बाद इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, विधान परिषद के सदस्य नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर कांग्रेस बड़ा दाव लगा सकती है। सवाल नंबर 3, अब तक फैसला क्यों नहीं हुआ? दरअसल इसको लेकर अपने अपनी किस्से कहानियां हैं, चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस जिस चेहरे को यूपी में कप्तान बनाना चाहती है वो चेहरा कप्तान बनने के लिए इच्छुक ही नहीं है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की हालत इस बार चुनाव में सबसे बुरी थी। सवाल नंबर 4, यूपी में अब तक कैसा रहा कांग्रेस का प्रदर्शन? तो सुनिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट गई थी, पार्टी की तरफ से सिर्फ आराधना मिश्रा मोना प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से और वीरेंद्र चौधरी महाराजगंज की फरेंदा सीट से विजय रहे, जबकि 2017 में पार्टी के पास 7 विधायक थे, 19 के लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ एक ही सांसद ने जीत का स्वाद चखा था, पार्टी अपना गढ़ अमेठी भी नहीं बचा पाई थी, जबकि 2014 में उसके पास 2 सांसद थे। इस बार यूपी में पार्टी को सिर्फ 2% वोट ही मिले हैं। तो क्या कांग्रेस के फैसले में मुस्लिम और ब्राह्मणों के समीकरण को साधने का संकेत होगा? ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी आखिर यूपी में किस तरह से अपने नेता का चयन करती है और आखिरकार यूपी में कांग्रेस को नया कप्तान के रूप में कौन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।